नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष राठौर एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपकी स्टडी जोन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी की। आप सभी के दिमाग में आजकल एक ही बात चल रही है, जो भी रेलवे की तैयारी कर रहा है, कि सर आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। क्योंकि जो भयंकर महामारी अपने देश में एक कोरोना वायरस ने मचा रखी है, जिसके चलते लॉकडाउन ख़त्म नहीं हो रहा, तारीख पे तारीख अपन को मिली जा रही है, उससे अपने दिमाग में एक बात आना स्वाभाविक है कि आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। दोस्तों, अपने दिमाग में तो बात ये भी आ रही है कि रेलवे ये भर्तियाँ कैंसिल कर देगा, रेलवे के पास बजट ख़त्म हो जाएगा, पैसा नहीं होगा, रेलवे भिखारी बन जाएगा, तो कहाँ से ये एग्ज़ाम करवाएगा। तो दोस्तों, पहली बात तो ये है, आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्ज़ाम किसी भी कंडीशन में कैंसिल नहीं होगा। यह ज़रूर है इस वायरस के चलते, इस लॉकडाउन के चलते ये एग्ज़ाम डिले ज़रूर होगा दोस्तों, क्योंकि अभी हालात ही ऐसे हैं, रोज़ाना नए केस आ रहे हैं, दिनों दिन मरीज बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन की तारीख ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। तो दोस्तों, अभी इसमें कुछ कमी ज़रूर आई है, हो सकता है मई या जून के एंड तक सारी कंडीशन नॉर्मल हो जाए दोस्तों। तो दोस्तों, अभी रेल मंत्रालय के आदेशानुसार एक खबर वायरल हुई थी कुछ दिनों पहले और हमने उसकी पड़ताल करी, तो वो खबर बिल्कुल सही है दोस्तों। खबर यह है कि रेल मंत्रालय ने आदेश जारी किया है कि जितने भी आरआरबी जोन हैं वो सब अलग अलग अपनी एग्ज़ाम करवाने का टेंडर निकाला ले, कंपनी को टेंडर जारी करे, नई कंपनी खोजे एग्ज़ाम करवाने के लिए। तो अब यह है कि रेलवे पूरा, रेल मंत्रालय एग्ज़ाम नहीं करवाएगा, उसने हर जोन में बांट दिया, जोन वाइज एग्ज़ाम होगा और जोन वाइज ही टेंडर निकलेगा और वही कंपनी डिसाइड करेगी, हर जोन की अलग कंपनी डिसाइड होगी, या हो सकता है कई जोनों की कंपनी सेम मिल जाए। तो दोस्तों, अगर ये एग्ज़ाम कैंसिल करवाना होता तो वह ये न्यूज़ नहीं निकालते, अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने ये न्यूज़ निकाली है कि अब टेंडर जो जारी होगा अपने आरआरबी जोन के अनुसार होगा। और दोस्तों, हमने रेलवे अधिकारियों से बात करी, उनसे संपर्क किया, रेल मंत्रालय के आदेश अनुसार देखा, ट्विटर पे देखा, तो हमें ये जानकारी मिली है दोस्तों ये एग्ज़ाम डिले होगा। और अभी तक की सूचना के अनुसार आरआरबी, एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम 2020 के एंड में यानी दिसंबर में होने के चांस है दोस्तों। तो दोस्तों, हम आपसे कहना चाहते हैं कि अभी तक भी जिन्होंने आरआरबी, एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी की तैयारी स्टार्ट नहीं करी है, उनको भी 5 से 6 महीने का समय मिल गया। अभी आप फ्री भी हो, घर पे बैठकर आराम से पढ़ाई की तैयारी स्टार्ट कर सकते हो दोस्तों। तो अभी आप बिल्कुल जीरो लेवल पे हो, तब भी 5-6 महीने का समय आपको मिल रहा है, बहुत शानदार तरीके से आप तैयारी कर सकते हो। और दोस्तों, जिन्होंने अच्छे से तैयारी कर ली तो उन्हें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, वह भी अपने सब्जेक्टों का रिवीजन इतने टाइम में बहुत शानदार तरीके से कर सकते हैं, ताकि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में टपक जाए तो उसको आप सल्टा सको। तो इन 5-6 महीनों में मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी तैयारी करना चाहता है वो बहुत शानदार तरीके से तैयारी स्टार्ट करें दोस्तों। और 2 सब्जेक्ट की तैयारी तो अपने चैनल में भी चल रही है दोस्तों, मैथ और रीजनिंग की। आपसे निवेदन करता हूँ, कुछ समय बाद जनरल साइंस की भी क्लासेज अपन प्रारंभ कर देंगे दोस्तों। और अगर आपको हमारी क्लास में कहीं भी कोई कमी नज़र आए तो आप हमें सुझाव ज़रूर दे सकते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में टाइप करके, हम आपके सुझाव को ज़रूर सुनेंगे दोस्तों। और दोस्तों, टेंशन बिल्कुल भी मत लो, आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी की भर्ती किसी भी कंडीशन में रद्द नहीं होगी और इसका एग्ज़ाम ज़रूर होगा, एग्ज़ाम डिले ज़रूर होगा। अभी तक की न्यूज़ के अनुसार दोस्तों, ये एग्ज़ाम दिसंबर 2020 में होने की संभावना है, तो आप अच्छे से तैयारी करें और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें दोस्तों। और अगर आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी से संबंधित कोई नई न्यूज़ हमारे पास आएगी तो हम आपको बताने की ज़रूर कोशिश करेंगे दोस्तों। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी ये न्यूज़ पसंद आई हो तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।